और दोस्तों एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। मैं आपको बता दूँ सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, यहाँ आप देख रहे हैं, यह ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट 2019 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं ताकि आप आसानी से रिजल्ट देख लें, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है cbseresult.nic.in, तो इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिएगा cbseresult.nic.in, ठीक है। और चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको रिजल्ट अपना चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट 2019, यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 10th 2019, 6 मई को यह रिजल्ट आया है। दोस्तों आज ही रिजल्ट आया है। अगर 12वीं का रिजल्ट देखना है तो आप इस नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा जो कि 2 मई को आया है, और अगर आपको 10वीं का रिजल्ट देखना है तो इस पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करना रहेगा आपको, ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट में जाने के बाद। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019 और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th। यहाँ पर आपको करना क्या होगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर रोल नंबर। फिर यहाँ पर आपको इस डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में क्लिक करना रहेगा, ठीक है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी रहेगी, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे यहाँ पर आया दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1995 तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे जो भी महीना है और ईयर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो ये देखिए आप डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 1997-98, और इसी प्रकार आप मंथ भी यहाँ पर बदल सकते हैं, ठीक है, नवंबर अक्टूबर। जैसे दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1998, तो आप इस 12 पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल नंबर यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है, लिखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है एंटर स्कूल नंबर, तो यहाँ पर आप अपना स्कूल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर सेंटर नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर एडमिट कार्ड आईडी डाल दीजिएगा। ऐसा भी डिटेल आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करिएगा और सीधे अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। प्रोसीजर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, और वीडियो देखने के लिए